एक डकैत अगर उनको बेल मिला तो इसे उत्सव करने का तो कोई बात नहीं है। एक हिपोक्रेट, एक ठगबाज जो एक टाइम में बोला था हम दुर्नीति के विरोध करते हैं, आज वो भारत में वो दुर्नीति का फेस है, मूग है। और आज वो जिस तरह से दिल्ली का लोगों को ढगा है, आज उनको जामीन तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जो हुआ है तो वो हुआ है। और इसका अदालत में इसका तदंत कर रहे और इनका शास्ति मिलेगा, क्योंकि ये मोदी राज है, उनको शास्ति मिले। जो भी पब्लिक का पैसा चोरी करेगा, जो भी पब्लिक को टेकन फॉर ग्रांटेड करेगा, वो जो भी हो, आज अरविंद केजरीवाल हो सकता है, हेमंत सोरेन हो सकता है, और कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है, उनको जेल जाना है। ममता बनर्जी का जितना डकैत, जितना रेपिस्ट, जितना ठगबाज, जितना टेररिस्ट जंगी, सब उनके भाई लगते हैं। अरविंद केजरीवाल उनका भाई है, शेख शाहजहां जो टेररिस्ट है उनका भाई है, पार्थो चटर्जी जो हमारा लड़का लड़की का नौकरी चोरी किया है, टीएमसी सरकार ने जो चोरी किया है वो उनका भाई लगता है, ज्योतिप्रिय मोहल्लिक जो राशन चोरी किया है वो उनका भाई है। तो जितना भी बदमाश लोग है, क्रिमिनल है, वो मुख्यमंत्री का भाई है, और वही उनका दीदी आज उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे। लेकिन बंगाल के लोग को कब कॉन्ग्रेचुलेट करना है मालूम है, 7 जून जब 400 के ऊपर सीट मिलेगा मोदी सरकार को, तब हम लोग मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। एक डकैत अगर उनको बेल मिला तो इसे उत्सव करने का तो कोई बात नहीं है। एक हिपोक्रेट, एक ठगबाज जो एक टाइम में बोला था हम दुर्नीति के विरोध करते हैं, आज वो भारत में वो दुर्नीति का फेस है, मूग है। और आज वो जिस तरह से दिल्ली का लोगों को ढगा है, आज उनको जामीन तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जो हुआ है तो वो हुआ है। और इसका अदालत में इसका तदंत कर रहे और इनका शास्ति मिलेगा, क्योंकि ये मोदी राज है, उनको शास्ति मिले। जो भी पब्लिक का पैसा चोरी करेगा, जो भी पब्लिक को टेकन फॉर ग्रांटेड करेगा, वो जो भी हो, आज अरविंद केजरीवाल हो सकता है, हेमंत सोरेन हो सकता है, और कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है, उनको जेल जाना है। ममता बनर्जी का जितना डकैत, जितना रेपिस्ट, जितना ठगबाज, जितना टेररिस्ट जंगी, सब उनके भाई लगते हैं। अरविंद केजरीवाल उनका भाई है, शेख शाहजहां जो टेररिस्ट है उनका भाई है, पार्थो चटर्जी जो हमारा लड़का लड़की का नौकरी चोरी किया है, टीएमसी सरकार ने जो चोरी किया है वो उनका भाई लगता है, ज्योतिप्रिय मोहल्लिक जो राशन चोरी किया है वो उनका भाई है। तो जितना भी बदमाश लोग है, क्रिमिनल है, वो मुख्यमंत्री का भाई है, और वही उनका दीदी आज उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे। लेकिन बंगाल के लोग को कब कॉन्ग्रेचुलेट करना है मालूम है, 7 जून जब 400 के ऊपर सीट मिलेगा मोदी सरकार को, तब हम लोग मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।